नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज पटेल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीजे सूरज। दोस्तों आज हम बात करेंगे आहूजा KLX से 3200 एम्पलीफायर के बारे में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्या इस एम्पलीफायर पे हम 800 वाट के चार टॉप चला सकते हैं, जो कि आहूजा का मॉडल होता है XPX 800। तो चलिए जानते हैं हम कितने ओम पे हमें इसमें कितना आउटपुट मिलता है और क्या ये चार टॉप चला सकता है। तो दोस्तों स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ कंटिन्यूस रेटेड पावर है हमारे पास स्टीरियो एंड मोनो मोड में, 8 ओम में 700 वाट ए चैनल पे और 700 वाट बी चैनल पे। और उसी प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 ओम पे हमें मिलता है 1100 वाट और 2 ओम पे मिलता है हमें 1600 वाट और ब्रिज मोड में मिलता है 8 ओम में 2200 वाट और 4 ओम में 3200 वाट। तो हम इसमें चार टॉप आसानी से चला सकते हैं। आहूजा का टॉप है XPX 800 जो कि 700 वाट का टॉप होता है। तो जैसे ही हम दो टॉप एक जोन में और दो टॉप दूसरे जोन में हम चलाएंगे तो 2 ओम पे उसका लोड हो जाएगा 1400 वाट और इसमें मिलता है हमें 1600 वाट। तो हम आसानी से इसमें चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें 700 वाट के चार टॉप आसानी से चला सकते हैं। अब 2 ओम पे हमें इसका आउटपुट मिलता है 1600 वाट एक चैनल पे और 1600 वाट दूसरे चैनल पे। तो आप यहाँ पे दो टॉप 800 वाट के चला सकते हैं एक चैनल पे और दो टॉप दूसरे चैनल पे। और यही बात करें हम 4 ओम की, तो 4 ओम पे मिलता है हमें यहाँ पे 1100 वाट। आहूजा का ही आता है XPX 1200, उसके हम एक टॉप एक चैनल पे और एक टॉप दूसरे चैनल पे हम चला सकते हैं आसानी से। और ये 1000 वाट का टॉप होता है इसलिए हम आसानी से चला सकते हैं, बहुत ही अच्छा पंच आएगा। और 1100 इसका आउटपुट होता है एम्पलीफायर का 4 ओम पे और टॉप है 1000 वाट, तो बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। और टॉप है इसलिए आप इसमें, अब इसका आउटपुट है 1100 वाट और टॉप है इसलिए इसमें आप 1300 तक के आप टॉप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं क्या हम इसमें बेस चला सकते हैं। बेस की बात करें तो आप यहाँ पे 1300 का जो डुअल आता है SWX 1300 आहूजा कंपनी का, आप उसका यूज कर सकते हैं। हालांकि इसका आउटपुट 4 ओम पे 1100 मिलता है लेकिन 1300 है, 200 वाट कम हो रहा है मगर चल जाएगा, थोड़ा सा पंच का कमी होगा बाकी अच्छा आउटपुट मिलेगा। और ध्यान रहे LX से 3200 में क्रॉस ओवर नहीं होता है, तो अगर आप इसमें बेस चलाना चाहते हैं तो क्रॉस ओवर यूज करिए, क्योंकि इसमें लो पास फिल्टर नहीं दिया है इस एम्पलीफायर के बैक साइड में, तो हम इसके लिए क्रॉस ओवर यूज कर सकते हैं। और हम बात करें यहाँ इसके ब्रिज मोड की, तो हमें ब्रिज मोड पे 8 ओम पे मिल जाता है हमें, तो यहाँ आप अब इसमें 8 ओम में मिलता है हमें 2200 वाट, तो आप यहाँ किसी भी कंपनी के 2000 वाट तक का सिंगल स्पीकर आप इसमें चला सकते हैं बेस, बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। और वही हम बात करें 4 ओम की, तो 4 ओम पे हमें मिलता है इसमें 3200 वाट, तो यहाँ 1500 वाट के दो बेस यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।